हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है हमें लंग्स क्यों होते हैं? इसी क्वेश्चन के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। इस प्रोसेस को पूरा समझने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसकी प्रोसेस बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो की तरफ मूव करते हैं। हमारे लंग्स हमारे बॉडी में बलून्स की तरह रहते हैं। हम जो ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो इस बलून में यानी लंग्स में जाता है, और ये ऑक्सीजन हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। जब हम ब्रीथ एक्सहेल करते हैं तब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अभी हम लंग्स का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे ये दो लंग्स लोब्स में डिवाइड होते हैं। लोब्स मींस लंग को डिवाइड किया हुआ पार्ट है। तो चलो हम देखते हैं ये लोब्स लंग्स में किस तरह डिवाइड होते हैं। राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट में दो लोब्स होते हैं। एज कंपेयर टू राइट लंग, ये लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हार्ट को स्पेस देता है। जैसे राइट लंग में ये अपर मिडल एंड लोअर लोब्स होते हैं, इसी तरह लेफ्ट में दो लोब्स, एक अपर एंड एक लोअर लोब होता है। हमारा लंग एक थीन लेयर से कवर्ड होता है जिसे प्लूरा कहते हैं। तो अभी हमने देखा लंग्स का ओवरव्यू, अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन कैसे लंग्स तक पहुंचता है। जैसे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन ये दो नॉस्ट्रिल से पास होके नोज से नेजोफैरिंग्स में आता है। नेजोफैरिंग्स मींस नोज एंड फैरिंग्स को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब रहती है। फिर ये नेजोफैरिंग्स से ट्रकिया में आता है जिसे विंड पाइप कहते हैं। फिर ये ट्रकिया बाइफर्केट होके दोनों लंग्स में जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ऑक्सीजन ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकियोल्स में जाता है और ये फाइनली अल्वियोलाई के द्वारा लंग्स में जाता है। तो अल्वियोलाई क्या है? अल्वियोलाई हमारे लंग्स में टाइनी एयर सैक्स है जो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। ये हमने देखा ब्रीथ इनहेल करने की प्रोसेस। क्या आपको पता है हम अपना फर्स्ट ब्रीथ कब लेते हैं? जब बेबी पेट में रहता है तब उसका लंग नॉन फंक्शनल होता है, उस टाइम ब्रीदिंग की प्रोसेस मदर द्वारा होती है। इसके बाद जब बेबी का बर्थ होता है तब वो अपना फर्स्ट ब्रीथ लेता है। जैसे हमने हार्ट के वीडियो में आपको बताया था नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में, वैसे ही हमारे लंग्स का रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल एडल्ट में 12 टू 16 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। ये रेस्पिरेटरी रेट हमारे एज के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि न्यू बॉर्न में 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। अभी हम देखेंगे हमारे लंग्स का क्या काम है हमारे बॉडी में। लंग्स हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। हीमोस्टेसिस जो हमारे बॉडी में ऑटोइम्यून सिस्टम है जिससे सारे ऑर्गन ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, हमारा लंग उनके ऑटो फंक्शन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करता है, बॉडी का पीएच लेवल भी मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना ये भी काम हमारा लंग्स ही करता है, और शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम हमारा लंग्स ही करता है। चलो मैं आपको लंग्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। नंबर वन, लंग्स एक हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो अगर पानी में रख दिया तो तैरने लगता है। हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं तैरता। नंबर सेकंड, हमारे लंग्स से अगर अल्वेओलाय खोल दिए जाए तो एक टेनिस कोर्ट कवर हो जाए, इतने अल्वेओलाय हमारे लंग्स में होती है। नंबर थर्ड, हमारे बॉडी का 70% वेस्टेज भी एलिमिनेट करता है हमारा लंग। तो अभी हमने देखा हमारे बॉडी के लंग्स किस तरह है, उनका काम क्या है और किस लिए हमारे बॉडी में है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।